नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में। महिंद्रा अपनी बोलेरो को बिल्कुल नए अवतार में इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। या फिर यूँ कहे कि महिंद्रा बोलेरो अपनी बोलेरो का न्यू जनरेशन लॉन्च करने वाला है। ये जो न्यू जनरेशन महिंद्रा बोलेरो है, ये कंपनी की जो TV3W है उसे ही कंपनी बोलेरो नियो के नाम से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करेगी। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि ये कब तक इंडिया के अंदर लॉन्च आएगी, क्या इसकी प्राइस रहेगी और क्या इसके अंदर फीचर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो महिंद्रा बोलेरो नहीं है वो अपने स्टैंडर्ड महिंद्रा बोलेरो से कितनी अलग होगी। इंटीरियर और एक्सटीरियर वाइज हम इसके बारे में कंपेरिजन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट की, तो इसके अंदर फ्रंट में आपको महिंद्रा की नई डिजाइन की सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको वर्टिकल 6 स्लॉट महिंद्रा अल्ट्रा जी फोर्स इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी। साथ इसके फ्रंट में आपको LED BRS और नीचे की साइड बम्पर के अंदर आपको फॉग लैंप हाउसिंग और SUV स्टाइल की स्किल प्लेट फ्रंट एंड रियर में देखने को मिलने वाली है। हाल ही में महिंद्रा बोलेरो नियो को इसके PVC शूट के दौरान बोलेरो नियो की बैजिंग के साथ ऑपरेटिंग एरियाज के अंदर देखा गया है। कंपनी इसकी PVC शूट कर रही है, यानी कि कंपनी इसे जल्दी लॉन्च करने वाली है। अब बात करें इसके अलॉय व्हील्स के बारे में, इसके अंदर आपको जो TV3W के अंदर मिलते थे वही सेम मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको ब्राउन कलर के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। साथ इसके रियर साइड की बात करें तो इसके अंदर आपको रियर स्पॉइलर, रियर स्पेयर व्हील जो कि इसके रियर डोर के ऊपर देखने को मिलने वाली है। साथ ही इसके अंदर आपको रियर वाइपर, सरफेस एंटीना, रूफ रेल्स और रियर स्पॉइलर जो कि हाई स्टॉप माउंट लाइट के साथ आएगा। जो न्यू जनरेशन महिंद्रा बोलेरो, यानी कि जो बोलेरो न्यू है, ये करंट महिंद्रा बोलेरो से थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स और प्रीमियम लुक के साथ इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च की जाएगी। इसके अंदर आपको MOK का जो कि 100 BHP की पावर जनरेट करने वाला पावर इंजन देखने को मिलने वाला है। जो महिंद्रा बोलेरो न्यू है ये इंडियन मार्केट के अंदर 10 लाख रुपये की शुरुआती प्राइस के साथ इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च की जाएगी और कंपनी इसे अप्रैल एंड तक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, तो जो महिंद्रा बोलेरो नियो का इंटीरियर रहेगा वो भी जो TV3W का डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलेगा, ये सेम इंटीरियर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको नए क्रूज और ऑडियो कंट्रोल के साथ ही नए फीचर्स इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। इसके फ्रंट में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है, जो कि स्टैंडर्ड महिंद्रा बोलेरो के अंदर नहीं मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको माउंटेन कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग, रियर AC वेंट जैसे शानदार इंटीरियर फीचर्स इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ये एक 7 सीटर सब कॉम्पैक्ट SUV है। महिंद्रा अपनी SUVs के लिए जानी जाती है। महिंद्रा अपनी इंडिया के अंदर जो महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV वो है बोलेरो, लेकिन ये जो TV3W थी वो इसकी जो सेल्स है वो इंडिया के अंदर काफ़ी कम हो रही थी। इसी वजह से महिंद्रा ने इसे 2020 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब कंपनी इसे दोबारा से बोलेरो की बैजिंग के साथ इंडियन मार्केट के अंदर रीलॉन्च करने वाली है। साथ ही यानी कि जो TV3W Plus है उसे भी इंडियन मार्केट के अंदर बोलेरो नियो के नाम से लॉन्च किया